अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मीम्स एकेडमी। तो आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 18.4 स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 18.4 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि प्रोपोर्शनल से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि जो एक्सरसाइज नंबर 18.4 है वो टोटली हमारे इन थ्योरम्स पे जो है वो डिपेंड करेगी। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारे पास 5 थ्योरम्स हैं, ठीक है। हम वन बाय वन वो स्टडी करेंगे अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 18.4 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम आपके पास थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, ठीक है। ये थ्योरम हमें क्या कहता है? ये थ्योरम हमें बताता है कि इफ टू रेशियोज आर इक्वल देन देयर इनवर्स रेशियोज आर ऑल्सो इक्वल। मतलब अगर हमारे पास कोई रेशियो, ठीक है, दो रेशियो जैसे ये लिखा हुआ है ए टू बी प्रोपोर्शनल टू सी टू डी, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या है, इक्वल है, बराबर है, देन इनका जो इनवर्स होगा, इसी का जो इनवर्स होगा वो भी क्या होगा, बराबर होगा। लेट सपोज मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, देखें इसको ऑफिशियल जो है ना फॉर्म में ऐसे लिखेंगे जैसे लिखा जाता है कि रेशोज की फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में अगर मिसाल के तौर पर मेरे पास दो रेशो है 8:10 प्रोपोर्शनल टू, एक और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम 16:20, ठीक है। तो अगर मैं इनका रेशो निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 4s 2 5s, ये 4 4s 4 5s, तो इसका आंसर क्या आ गया, 4:5 प्रोपोर्शनल टू 4:5। देखें ये दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है। अब इसी तरीके से मैं इसका अगर रेसिप्रोकल ले लेता हूं, यानी कि ये 8:10 था तो मैं इसको कर दूंगा 10:8, और प्रोपोर्शनल टू ये 16:20 था इसको मैं कर दूंगा 20:16। तो फिर क्या देखते हैं क्या होता है, 2 2 5s 10 2 4s 8 4 5s 20 4 4s। तो अब क्या आंसर आया हमारे पास, 5:4 प्रोपोर्शनल टू 5:4। तो देखें ये भी क्या है, इक्वल है। तो ये कहलाती है थ्योरम ऑफ इनवर्टेंडो, ठीक है। कि अगर दो रेशियोज आपस में इक्वल है तो उनका इनवर्स भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये नहीं कह रहे कि ये दोनों आपस में इक्वल हो, ये नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं कि इनका इनवर्स आपस में इक्वल होगा। मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे जिस तरह ये दोनों आपस में इक्वल है। ऑलराइट, समझ में आ गई। नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो। थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो की बात करें तो थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो हमें बताता है कि इफ द डिनोमिनेटर ऑफ द फर्स्ट रेशियो इज रिप्लेस्ड विद द न्यूमरेटर ऑफ सेकंड रेशियो देन द टू रेशियोज आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। मतलब कि अगर हम किसी एक रेशो का, यानी कि फर्स्ट रेशो जो हमारे पास है, ठीक है, उसका डिनोमिनेटर दूसरे वाले रेशो के न्यूमरेटर के साथ रिप्लेस कर दें, यानी कि क्रॉस में क्या कर दें, रिप्लेस कर दें, तो उस सूरत में भी जो दो रेशोज होंगे वो कहेंगे, वो जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, या इन अदर वर्ड्स वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। जैसा कि ये कंडीशन कि अगर दो प्रोपोर्शनल आपस में बराबर है तो इनका अगर फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर यानी के बी मैं रिप्लेस कर दूं सेकंड वाले के न्यूमरेटर यानी सी के साथ, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रेशियोज जो है वो क्या है, एक दूसरे के साथ प्रोपोर्शनल है, ठीक है। लेट सपोज एक एग्जांपल लेते हैं हमारे पास कि दो रेशियो है मेरे पास 6:10, ठीक है, प्रोपोर्शनल टू 9:15, ठीक है। अगर मैं इसका आंसर निकालूं तो ये हो जाएगा 2 3s 6, 2 5s 10, और ये 3 3s 9, 3 5s 15। तो मेरे पास आंसर आ गया 3:5 प्रोपोर्शनल टू 3:5, ठीक है। ये तो पहली वाली कंडीशन जो है वो हो गई फुलफिल। अब सेकंड कंडीशन क्या कह रहे हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर फर्स्ट का न्यूमरेटर सेकंड के साथ रिप्लेस करना है। तो मतलब अगर मैं इसका डिनोमिनेटर रिप्लेस कर दूं तो यहाँ आ जाएगा 6:9 प्रोपोर्शनल टू 10:15। तो इस सूरत में भी दोनों प्रोपोर्शनल क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखते हैं हम 3 2s 6, 3 3s 9, 5 2s 10, 5 3s 15। तो देखें आंसर आ गया हमारे पास सेम 2:3 एंड 2:3। इसका मतलब थ्योरम ऑफ अल्टरनेटो हमें बताता है कि अगर पहले रेशो का डिनोमिनेटर सेकंड रेशो के न्यूमरेटर के साथ चेंज कर दें, रिप्लेस कर दें, तब भी रेशोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। थर्ड थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो। थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो हमें बताता है कि इफ टू नंबर्स आर एडेड देन डिवाइडेड द रिजल्ट विल बी द सेम एज इफ द नंबर्स वर फर्स्ट डिवाइडेड एंड देन एडेड। ये आपके साथ में एग्जांपल लिखी हुई है, ठीक है, कि अगर दो रेशोज इक्वल है, अच्छा ये कंडीशन तो सबके लिए होगी, ठीक है। तो इस सूरत में होगा क्या, इफ द टू नंबर्स आर एडेड देन डिवाइडेड, ठीक है, दो नंबर्स जो है वो एड हो रहे हैं और डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है,
रिजल्ट विल बी द सेम एज इफ द फर्स्ट डिवाइडेड एंड देन एडिड। तो अगर हम फर्स्ट डिवाइड करें या फर्स्ट एड करें, दोनों के रिजल्ट क्या होंगे? सेम होंगे। अब यहां पर देखिए, पहले एड हो रहा है उसके बाद डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यानी कि इज टू बी। तो ये दो नंबर एड हो रहे हैं फिर डिवाइड हो रहे हैं, या तो यहां पर क्या हो रहा है, पहले डिवाइड हो रहे हैं उसके बाद एड हो रहे हैं। तो इस सूरत में भी दोनों कंडीशन में क्या होगा, रिजल्ट जो है वो सेम होगा, यानी कि एक दूसरे के साथ क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। इसके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास दो रेशोज हैं 2:4 प्रोपोर्शनल टू 5:10, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 1:2 और इसका आंसर आ जाएगा 1:2, ठीक है। अब देखें ये दोनों रेशोज तो आगे बराबर, अब ये ए है ये बी है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये ए ये बी ये सी और ये डी। अब हमें पहली वाली कंडीशन देखनी है, इसके सामने सामने लिख देंगे हम, ठीक है। तो पहली वाली कंडीशन हमें कह रही है कि 2+4/2 प्रोपोर्शनल टू c+d 5+10/10। तो अगर इसका मैं आंसर निकालूं तो 2+4 हो जाता है 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 प्रोपोर्शनल टू 15/10। मजीद इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 2 3 5 2 और 5 3, ठीक है। अच्छा यहाँ सॉरी 4 आएगा, यहाँ आ जाएगा 4 2 3 2 2। तो देखें 3:2 प्रोपोर्शनल टू 3:2, तो मेरे पास दोनों रेशियोज क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल आए, इक्वल आए, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अब तो यहां पर अगर 2 लिखूं और नीचे आ जाएगा 2+4, अब मैंने क्या किया, पहले डिवाइड कर दिया फिर मैंने ऐड किया, तो यहां आ जाएगा 5 और 5+10, ठीक है। तो इस सूरत में क्या होगा, इस सूरत में होगा 2/6 हो जाएगा और प्रोपोर्शनल टू 5/15। तो 2 1 2 3 5 1 5 3, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 1:3 और 1:3। तो इस सूरत में भी क्या होंगे, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। ये थ्योरम हमारे पास कहलाता है थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंटो। फोर्थ थ्योरम है हमारे पास थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो। डिवाइडेंडो और कॉम्पोनेंडो बेसिकली दोनों सेम होते हैं, लेकिन फर्क क्या है, कॉम्पोनेंडो के अंदर जो है वो हमारे पास प्लस होता है, यानी कि दो नंबर्स को हम प्लस करते हैं, जबकि डिवाइडेंडो के अंदर हम दोनों नंबर्स को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। बाकी पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है इस थ्योरम को सॉल्व करने का, वो बिल्कुल कॉम्पोनेंडो की तरह होता है, ठीक है। जैसे यहां पर अगर हम कह रहे हैं कि अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करें फिर डिवाइड करें, या फिर पहले डिवाइड कर दें फिर सब्ट्रैक्ट कर दें, तो इन दोनों सूरतों में जो प्रोपोर्शनल्स होंगे, यानी कि जो दोनों रेशियोज होंगे, वो दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर 21:7 प्रोपोर्शनल टू 9:3। तो इस सूरत में हमारे पास आंसर क्या आएगा, 7 1 7 3 3:1 प्रोपोर्शनल टू 3:1, ठीक है, 3 1 3 3। तो ये आ गया हमारे पास, ये वाली कंडीशन फुलफिल्ड हो गई, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो 21 - 7/7 प्रोपोर्शनल टू 9 - 3/3। तो 21 - 7 = 14/7 एंड प्रोपोर्शनल टू 6/3, 7 1 7 2 3 1 3 2। तो आंसर आ गया मेरे पास 2:1 प्रोपोर्शनल टू 2:1। तो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इसी तरीके से अगर हम पहले डिवाइड कर दें उसके बाद हम क्या करें, हम इसको सब्ट्रैक्ट करें, उस सूरत में भी दोनों सेम होंगे। कैसे, 21 - 7 प्रोपोर्शनल टू 9/9 - 3, ठीक है। अब देखें 21 - 7 = 14 प्रोपोर्शनल टू 9/6, तो 7 2 7 3 3 2 3 3। तो इस सूरत में हमारे पास आंसर क्या आया, 3:2 प्रोपोर्शनल टू 3:2। तो ये दोनों जो है वो हमारे पास कहलाते हैं थ्योरम ऑफ डिवाइडेंडो, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट रह गया जो कि इन दोनों का कॉम्बो है, जिसको कहते हैं थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो, वो स्टडी कर लेते हैं। तो लास्ट वन है हमारे पास थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिवाइडेंडो। ये रेशो हमें बताता है कि अगर दो रेशो ए टू बी बराबर है सी टू डी के, देन द रेशो ऑफ ए प्लस बी टू ए माइनस बी इज द सेम एज द रेशो ऑफ सी प्लस डी टू सी माइनस डी, ठीक है। ये
जैसे ये लिखा हुआ है हमारे पास a is to b अगर बराबर है c is to d के, तो फिर इन दोनों का एडिशन और सब्ट्रैक्शन डिवीजन फॉर्म में यानी कि रेशियो फॉर्म में बराबर होगा नेक्स्ट वाले रेशियो के सब्ट्रैक्शन और डिवीजन एडिशन के। ठीक है, लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं। तो मेरे पास एक एग्जांपल है 4:8। ठीक है, एक रेशियो मेरे पास 4:8 है और दूसरा मेरे पास 9:18। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4 1 4 2 1:2, 9 1 9 9 2 18, तो 1:2। ये दोनों रेशियो मेरे पास क्या आ गए, इक्वल। अगर ये कंडीशन फुलफिल्ड हो रही है, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो इस सूरत में ये वाली कंडीशन में भी दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्वल होंगे। देख लेते हैं, इसी नंबर्स को यूज करना है हमें। ठीक है, तो 4 + 8 / 4 - 8 इक्वल्स टू या प्रोपोर्शनल 9 + 18 / 9 - 18। ठीक है, 4 + 8 = 12 और 4 - 8 = -4 = 9 + 18 = 27 / 9 - 18 = -9। 4 1 4 3 9 1 9 3। तो देखें यहां पर हमारे पास आंसर क्या आया, -3:1 प्रोपोर्शनल टू -3:1। तो देखें दोनों के दोनों रेशियोज क्या हैं, प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो ये हमारे पास कुछ थ्योरम थे जो कि प्रोपोर्शनल से रिलेटेड थे, और ये आपके थ्योरम्स हैं वो एक्सरसाइज नंबर 18.4 में इस्तेमाल होने वाले हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब